तो देखते हैं अपने इस केस में क्या हुआ था इस केस में फैक्ट्स में घुसने से पहले आई वुड प्रेफर कि मैं आपको इसके पीछे का लीगल प्रिंसिपल बता दू बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू केस इसलिए हमें पता नहीं है शायद हो सकता है हम ये जानते नहीं हो तो फैक्ट समझ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो आइए देखते हैं इसके पीछे का लीगल प्रिंसिपल क्या है जो अपना आई कोड है दैट इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड टू थाउजेंड ये बनाया गया था आफ्टर सी का रिपील हो गया ठीक है इस कोड का बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई भी कंपनी सिक हो गई है कोई भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है तो हम कैसे भी करके उसके लिए एक रिवाइवल प्लान निकाल के ले आए ठीक है बेसिक एकदम यही समझना अपने को कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई है अपना डेक्स रीपे नहीं कर पा रही तो हम ट्राई करते हैं कि उसके लिए एक अपने को रिवाइवल प्लान मिल जाए ठीक है तो उसके लिए रिवाइवल प्लान लेने के लिए हम एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं जिस प्रोसेस को बोला जाता है ट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ठीक है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इस प्रोसेस का नाम है जिसको शॉर्ट में सी आई आर पी भी बोलते हैं ठीक है तो ये आपने समझा कि आईबी कोड के अंदर वो प्रोसेस जिससे हम एक कंपनी सिंक कंपनी इंसॉल्वेंट कंपनी को रिवाइव करने का कोशिश करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं सीआईआरपी नाउ सीआईआरपी में होता क्या है CIRP में होता यह है कि जो कंपनी है वो बाहर के लोगों को अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देती है फिर बाहर के लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा है वो लोग बोलते हैं कि ठीक है तुम्हारे डेट्स को हम पे ऑफ करेंगे तुमको रिवाइव करने में हम हेल्प करेंगे वो उस कंपनी में अपना पैसा इन्फ्यूज करती है एंड बदले में कंपनी का कंट्रोल उन्हें मिल जाता है ठीक है सो so, इस प्रोसेस के दौरान मान लीजिए आप यहां पे सी स्टार्ट हुआ ठीक है एंड यहां पे आपको एक प्रॉपर प्लान मिला उसके बीच में थोड़ा सा टाइम गैप रहता है ऐसा नहीं है कि आपने आज से आई स्टार्ट किया एंड कल आपको प्लान मिल गया ठीक है तो उसके बीच में बीच में काफी अच्छा खासा दिन का गैप रहता है ठीक है इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं बीच में जैसे कि यहां पे आप अपना इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पब्लिश करते हैं पब्लिक के लिए मतलब आप पब्लिक को वो डॉक्यूमेंट देते हैं जिसमें आपका सारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रहता है उसके बाद मान लीजिए ए बी सी डी सब लोग इंटरेस्टेड है आपके पीछे अपना पैसा लगाने के लिए तो लोग अपना प्लान डेवलप करते हैं एंड देन फाइनली एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके आपको अपना प्लान सबमिट कर देते हैं समझा ये बेसिक है अपने आईबीसी के प्रोसेस का नाउ मैंने आपको ये क्यों समझाया मैंने आपको ये इसलिए समझाया सो so दैट आप ये समझ पाओ कि जिस दिन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है मान लो आपकी कंपनी एक्स थी एक्स के अगेंस्ट आज के दिन में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगर स्टार्ट हुआ तो एक्स के लिए एक मोरेटोरियम पीरियड स्टार्ट होता है ठीक है नाउ आप सोचोगे मोरेटोरियम पीरियड क्या है तो मोरेटोरियम पीरियड वो पीरियड होता है जो आपके सीआईआरपी जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन स्टार्ट हो जाता है इस पीरियड में आपकी कंपनी के अगेंस्ट ना तो कोई नए लीगल सूट्स फाइल हो सकते हैं

फिक्स हो जाए ठीक है जिस दिन प्लान फिक्स हुआ उस दिन मॉरिटोरियम पीरियड खत्म हो जाता है नाउ इस मॉरिटोरियम पीरियड का इंपॉर्टेंस इस मॉरिटोरियम पीरियड का इंपॉर्टेंस ये है कि पीरियड के दौरान आपके अगेंस्ट एक भी लीगल सूट फाइल नहीं हो सकता नया ना आप कोई नया लीगल सूट फाइल कर सकते हो आप कोई नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते आप कोई नए लोन्स नहीं ले सकते

इन्फॉर्मेशनो मेमोरेंडम तो आपने यहां पे बनाया था और आपको प्लान मिले यहाँ पे बीच में जो फिफ्टी डेज है उसमें अगर मान मान लो लो आपका पोजीशन चेंज हो जाए लो, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए या आपके असेट्स घट जाए तो इन्होंने जो, दिया उस पे इन्होंने जो प्लान दिया है उसपे उसका इफेक्ट कैसे दिखेगा बिकॉज इनका प्लान इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो इस दिन बना था

नो मॉरेटोरियम पीरियड में हम लोग जानते हैं कि एक भी लीगल सूट आपके अगेंस्ट फाइल नहीं हो पाता आते हैं अपने केस में इस केस में कंपनी के अगेंस्ट मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो चुका था ठीक है कोई बात नहीं स्टार्ट हो गया कोई बात नहीं इसमें जो अपने रिस्पोंडेंट है पी मोहनराज पी मोहनराज ने टू द केस इज अगेंस्ट द केस इज इन बिटवीन शाह ब्रदर्स एंड वर्सेस पी मोहनराज राइट तो पी मोहन राज ने ट्राई किया कि शाह ब्रदर्स के अगेंस्ट वो सेक्शन के ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर वो एक कंप्लेन फाइल करे सेक्शन 138 थर्टी एट ऑफ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टॉक्स अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक चेक के बाउंस करने साथ वो डील करता है ठीक है कोई बात नहीं पी शाह ब्रदर्स के अगेंस्ट सीआईआरपी स्टार्ट हो गया था

मोरेटोरियम पीरियड में आप लीगल सूट्स फाइल नहीं कर सकते हो ये एक सेटल्ड पोजीशन ऑफ लॉ है बट ये इसका इंटेंशन क्या है इसका इंटेंशन ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी डज नॉट चेंज ठीक है सेटल्ड गुड अब 138 ऑफ द ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो प्रोविजन है इट्स अ क्रिमिनल प्रोविजन डिसऑनर ऑफ चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस ठीक है सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर डिसऑनर ऑफ चेक हो रहा है अंडर सेक्शन तो वहां पे तो आपको कोई फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऊपर नीचे नहीं हो रहा ठीक है आपने ना तो लोन लाइबिलिटी लिया है ना आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी ली है ना आपके अगेंस्ट कोई ऐसा सूट फाइल हो रहा है जिसमें आपको बहुत हेवी पेनल्टी लग सकता है राइट सो वन थर्टी एट बींग क्रिमिनल मैटर इन नेचर कोई आपके फाइनेंशियल पोजिशन को चेंज नहीं करेगा ठीक है और अगर फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो देयर इज नो पॉइंट इन बारिंग दिस इन द मॉरेटोरियम पीरियड मॉरेटोरियम पीरियड में हम क्यों बार करते हैं लीगल सूट्स को ताकि आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुए अगर सेक्शन 138 के सूट्स से आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम उसको रोकने का मतलब क्या हुआ कोई मतलब ही नहीं हुआ इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि मॉरेटोरियम पीरियड जितना दिन चल रहा होता है उस दिन आप सिविल सूट्स तो फाइल नहीं कर सकते हो क्योंकि उससे आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो सकता है बट उस दिन आप क्रिमिनल उन दिनों के बीच में आप क्रिमिनल एक्शन जरूर लेके आ सकते हो कंपनी में पहला रीजन वाई उससे उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल पोजिशन ऊपर नीचे नहीं होता दूसरा रीजन क्रिमिनल एक्ट्स आर सीरियस एक्ट्स दे आर ऑफेंसेस अगेंस्ट दी सोसाइटी तो हम उनको इतना इजीली इग्नोर नहीं कर सकते एंड दैट वाज अनदर रीजन व्हाई द कोर्ट हेल्ड कि भाई क्रिमिनल एक्शंस तो आपको लेना ही पड़ेगा सो इन टोटेलिटी इन टोटो हमें यह पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पोजिशन को सेटल किया है कि मोरेटोरियम पीरियड में सिविल सूट फाइल नहीं हो सकते लेकिन क्रिमिनल एक्शन उस कंपनी के अगेंस्ट जरूर लाए जा सकते हैं अगेन दिस जजमेंटोरी वेरी न्यू कोर्ट उसके पोजिशन अभी भी सेटल हो रहे हैं कोर्ट अभी भी डिसाइड कर रहे हैं किस प्रोविजन को कैसे इंटरप्रेट करना है एंड इस में दिस पर्टिक्युलर केस ये एक बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस लेके आने वाला है सो

तब तक के लिए स्टे हैप्पी कीप स्टडिंग टेक केयर बाय